वेलकम बैक टू माई चैनल। सो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मेरा ऑफिस पार्टी मेकअप लुक, जो कि कुछ दिन पहले हुआ था ये पार्टी। सो उसी लुक को मैंने आज रिक्रिएट किया है आप लोगों के लिए, क्योंकि मुझे रिक्वेस्ट आया था कि मैं इस लुक को रिक्रिएट करूँ इसीलिए। और आई एम रियली सॉरी गाइज, ये ड्रेस का जो लिंक है मैं नहीं दे पाऊंगी, क्योंकि मैंने ये 2 से 3 साल पहले जब मैं पैंटलून्स गई थी वहाँ से मैंने इस ड्रेस को लिया था। सो अगर आप चाहें तो एक बार ढूंढ सकते हैं पैंटलून्स पे, अगर ऐसा कुछ ओल्ड स्टॉक उन लोगों के पास है तो आप देख सकते हैं, नहीं तो मुझे नहीं लगता कि ये आपको मिलेगा क्योंकि ये ऑनलाइन का नहीं था। सो कोई बात नहीं, तो मैंने लुक को रिक्रिएट किया है, तो आई होप आपको लुक पसंद आएगा और डिटेल सारे मैं डिस्क्रिप्शन पे मेंशन कर दूंगी। और भी अगर कुछ वीडियो का रिक्वेस्ट है वो भी मुझे बता सकते हैं आप कमेंट सेक्शन पे, मैं वो भी वीडियो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगी। और मुझे पता है कि मैं थोड़ा सा इरेगुलर हो गई हूँ यूट्यूब पे, क्योंकि बहुत सारे काम मेरे पास मतलब मुझे करना पड़ रहा है अभी, इसीलिए ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रही हूँ। बट कोई बात नहीं, मैं कोशिश करूंगी और भी मैं वीडियो बनाऊँ और रेगुलरली वीडियो मैं पोस्ट भी करूँ। सो गाइज, आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा, और अगर वीडियो पसंद आए देन डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। अभी जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले मैं यूज कर रही हूँ प्लम का ग्रीन टी फेशियल मिस्ट, जो कि फेस को हाइड्रेट करने के लिए मैंने यूज़ किया था। तो ये एक दोपहर के टाइम पे पार्टी था तो इसलिए मैंने टोनर का यूज़ किया है। देन मैं यूज़ कर रही हूँ फेस को मॉइस्चराइज करने के लिए लॉरियल पेरिस की क्रिस्टल माइक्रोसेंस, अपने फेस को मॉइस्चराइज करने के लिए। बट मैंने यहाँ पे सनस्क्रीन अप्लाई नहीं किया है क्योंकि एक जगह पर ही पार्टी था, इसीलिए मैंने सनस्क्रीन को स्किप किया है। देन यहाँ पर मैंने प्राइमर के लिए यूज़ किया है नायका का एक प्राइमर, क्योंकि एक बहुत ही हाइड्रेटिंग प्राइमर है और मैं चाहती थी कि मैं सब कुछ ऑलमोस्ट मैं हाइड्रेटिंग प्रोडक्ट ही यूज़ करूँ ताकि मेरा फेस हाइड्रेट रहे। देन फाउंडेशन के लिए भी मैंने नायका का हाइड्रेटिंग फाउंडेशन का यूज़ किया है। ओके, तो फाउंडेशन का मैंने एक ही लेयर अप्लाई किया है और नेक पे भी इसी फाउंडेशन का मैंने यूज़ किया है। कंसीलर के लिए मैंने स्विस ब्यूटी का कंसीलर का यूज़ किया है, तो जितना मुझे ज़रूरत है बस उतना ही मैंने कंसीलर को अप्लाई किया है, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा कवरेज भी प्रोवाइड करता है। ओके, देन कंसीलर को भी अच्छी तरीके से हम लोग ब्लेंड कर लेंगे। तो मेरा मेकअप भी काफ़ी फ्लॉलेस हुआ था बिकॉज ऑफ द प्राइमर, क्योंकि प्राइमर जो है नायका का वो मुझे बहुत 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 पसंद आया था। ओके, तो फाउंडेशन एंड कंसीलर को अच्छी तरीके से हम लोग ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से ब्लेंड कर लेंगे। देन मेकअप को सेट करने के लिए मैंने रेवलॉन के 480 कॉम्पैक्ट पाउडर का हेल्प से मैंने पूरा मेकअप को सेट कर लिया है, ताकि कुछ भी फाउंडेशन कंसीलर क्रीज ना करे। फेस और नेक को आपको कॉम्पैक्ट पाउडर की हेल्प से सेट कर लेना है, तो ऐसे मैंने किया था। ओके, देन आईब्रोज के लिए मैंने यूज़ किया हेलेरी रोडा का आईब्रो किट। तो मैंने काफ़ी टाइम से मैंने मेकअप किया था, कोई जल्दबाजी नहीं था, क्योंकि मैं थोड़ा सा टाइम से ही मेकअप करना पसंद करती हूँ इसीलिए। ओके, आई मेकअप की बारी, तो आई मेकअप के लिए मार्स का आईशैडो पैलेट का यूज़ किया है, उसमें से ये लाइट ब्राउन कलर को क्रीज से पहले अप्लाई कर लिया है यहाँ पे। ओके, तो क्रीज पे ब्राउन कलर को आपको अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लेना है, और लोअर लैश लाइन पे भी इसी कलर को मैंने स्मोक आउट कर लिए हैं। ये कलर अप्लाई हो जाने के बाद ये येलो कलर को लेकर मैंने ट्रांजिशन पे इस कलर को अप्लाई किया है क्रीज के कलर के साथ। आपको इसको अप्लाई कर लेना है, उससे क्या होगा कि आपका जो मतलब आई मेकअप लुक है काफी खूबसूरत लगेगा देखने में, और एक मतलब अच्छा अच्छा शेड भी आ जाएगा, तो इसीलिए मैंने इसको अप्लाई कर लिया है। ओके, देन ब्राउन एंड ये ऑरेंज कलर को दोनों कलर को मिक्स करके पूरा आईलिट पे मैंने इसी कलर को यूज़ किया है। एक्चुअली मैं ना थोड़ा सा कंफ्यूज था कि मैं क्या कलर अप्लाई करूँ, तो इसलिए मैंने ये दोनों कलर को मिक्स करके ही मैंने यहाँ पे अप्लाई कर लिए हैं। तो अगर आप चाहें तो सिंपल ब्राउन कलर भी यूज़ कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो ब्लैक स्मोकी आई करना चाहते हैं तो ब्लैक भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, देन ब्रश को थोड़ा सा क्लीन करके सब कुछ अच्छी तरीके से एक और बार हम लोग ब्लेंड कर लेंगे। ओके, और लोअर लैश लाइन पे भी इसी कलर को ही मैंने फिर से एक बार अप्लाई कर लिया है। उसके बाद इसी पैलेट में से ये ब्लैक कलर को लेकर मैंने धीरे से मतलब एक स्मोकी स्मजी लाइनर की तरीके से मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है। अलग से मैंने कुछ लाइनर यहाँ पे अप्लाई नहीं किया है। ओके, देन ये गोल्डन कलर को लेकर अपने इनर आई इनर कॉर्नर पे थोड़ा सा हाईलाइट कर लिए हैं, एंड ब्राउ बोन को भी थोड़ा सा हाईलाइट कर लिए हैं। सो ये जो दोपहर का लुक था ना, इसीलिए मैंने आई मेकअप को बहुत ज़्यादा मतलब डार्क नहीं किया है। ओके,
ओके, ब्लश के लिए मैंने कफ सन लैशेज का ब्लश का यूज किया है। तो ये ब्लश बहुत ही खूबसूरत सा ब्लश है, इसका पिगमेंटेशन भी एकदम परफेक्ट पिगमेंटेशन है। तो इसीलिए मैंने सिर्फ ब्लश यूज किया है, यहाँ पे मैंने कॉन्ट्रोलिंग नहीं किया है। मॉर्निंग टाइम पे तो अगर पार्टी आप लोगों का है जैसे कि मेरा था मॉर्निंग या फिर दोपहर के टाइम पे, तो ऐसे आप डेफिनेटली ऐसे मेकअप लुक क्रिएट कर सकते हैं। देन बुरा मेकअप को सेट करने के लिए स्विस ब्यूटी का मेकअप सेटिंग स्प्रे का यूज किया है। ओके, उसके बाद मैंने यहाँ पे मस्कारा के लिए लॉरियल पेरिस के वॉल्यूम मिलियन मस्कारा का यूज किया है। अपर एंड लोअर लैशेज पे एक दो कोट मैंने अप्लाई कर लिए हैं। सो गाइज, मेकअप सच में इतना अच्छा था। मेरे दोपहर मतलब 12 बजे के टाइम से मेरा पार्टी था और मैं वापस आई थी 6 बजे के टाइम पे। इतना समय तक मेरा मेकअप जो है एज इट इज था, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, तो मेकअप काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग हुआ। ओके, लिपस्टिक के लिए मैंने ब्लू हेवन का लिक्विड लिप लिक्विड लिपस्टिक नहीं है, ये एक बुलेट लिपस्टिक है, इसका मैंने यूज़ कर लिए हैं। ओके, सारे डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन पर मैंशन कर दूँगी। सो ऐसी तरीके से मैं रेडी हुई थी मेरी ऑफिस पार्टी के लिए। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा।